वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, कक्षा 8 के लिए बाय एनएसएस आईआईटी बॉम्बे। वर्ग क्या होता है? किसी संख्या को अगर खुद से गुणा कर दें तो उसे वर्ग कहते हैं और उस संख्या को वर्गमूल कहते हैं। उदाहरण के लिए 2 गुना 2 4 होता है। 4 2 का वर्ग है और 2 4 का वर्गमूल। 3 गुना 3 9 होता है। 9 3 का वर्ग है और 3 9 का वर्गमूल। 5 गुना 5 25 होता है। 25 5 का वर्ग है और 5 25 का वर्गमूल। वर्ग का क्या उपयोग है? अगर हमें एक वर्ग आकार का क्षेत्रफल निकालना है तो हम उसके सिरे को खुद से गुना कर देते हैं। उसी प्रकार अगर हमें एक वर्ग आकार का क्षेत्रफल पता है और हमें उसके सिरे की लंबाई निकालनी है तो हम उस वर्ग आकार के क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल लेते हैं। उदाहरण के लिए यह एक वर्ग आकार है जिसके सिरे की लंबाई 5 सेमी है। इस वर्गाकार का क्षेत्रफल इसके सिरे को खुद से गुना करने पर मिलेगा, अर्थात इस वर्गाकार का क्षेत्रफल 5 गुना 5 बराबर 25 वर्ग सेमी है। उसी प्रकार अगर हमें पता होता कि इस वर्गाकार का क्षेत्रफल 25 सेमी है तो हम इसके सिरे की लंबाई निकाल सकते थे, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है। वर्ग और वर्गमूल के बारे में कुछ जानकारी। हमें पता है कि 6 गुना 6 36 होता है, तो 36 6 का वर्गमूल है। -6 गुना -6 भी 36 होता है, तो -6 भी 36 का वर्गमूल है। इसी प्रकार किसी भी धनात्मक या पॉजिटिव संख्या का 2 वर्गमूल होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के योजात्मक प्रतिलोम या एडिटिव इन्वर्स होते हैं। इधर 36 के 2 वर्गमूल है, 6 और -6 एक दूसरे के योजात्मक प्रतिलोम है। किसी भी संख्या के धनात्मक वर्गमूल को स्क्वायर रूट के चिन्ह से दर्शाते हैं। हमें पता है कि 6 गुना 6 36 होता है, तो हम लिख सकते हैं कि 36 का वर्गमूल 6 के बराबर होता है। उसी प्रकार ऋणात्मक संख्याओं के लिए माइनस वर्गमूल का उपयोग किया जाता है। -6 गुना -6 बराबर 36। हम लिख सकते हैं कि -√36 = -6। पूर्ण वर्ग संख्या या परफेक्ट स्क्वायर, संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्याओं हो उन्हें पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 100 4 16 64 9, ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं क्योंकि इनके वर्गमूल पूर्ण संख्याएं हैं। 100 का वर्गमूल 10 होता है, 4 का 2, 16 का 4, 64
का 8 और 9 का 3। वर्गमूल निकालने के तरीके। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या ना हो उनका भी वर्गमूल निकाला जा सकता है। एक तरीका त्रिकोण से है। यह एक त्रिकोण है जिसकी बाजू ए बी की लंबाई 4 सेमी और बी सी की लंबाई 4 सेमी है। पाइथागोरस के प्रमेय से हमें पता है कि ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग और बी सी का वर्ग। ए सी का वर्ग बराबर 4 का वर्ग और 4 का वर्ग। ए सी का वर्ग बराबर 16 और 16। ए सी का वर्ग बराबर 32। ए सी बराबर 32 का वर्गमूल। अब हम ए सी की लंबाई एक रूलर से मापेंगे। ए सी की लंबाई 32 के वर्गमूल के लगभग बराबर होगी। अब हम वर्गमूल निकालने का एक और तरीका देखेंगे जो ज़्यादा सटीक है। हम उदाहरण के लिए 20 का वर्गमूल निकालेंगे। हम यहाँ पर 20.000000 लिखेंगे, क्योंकि 20 और 20.000000 बराबर होते हैं। अब हम दशमलव से दो दो की जोड़ियाँ बनाएंगे। बीस से छोटी सबसे बड़ी वर्ग संख्या 16 होती है और 16 का वर्गमूल 4 होता है, इसीलिए हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। हमें 4 ऊपर भी लिखना होगा। हम 20 में से 16 घटा देंगे तो हमें 4 मिलेगा। हमें इधर वापस से 4 लिखना होगा और इन दोनों को जोड़ना होगा। 4 और 4 8 होता है। अब हम इन दोनों शून्य को नीचे ले आएंगे। अब हमें इन दोनों बक्सों में सबसे बड़ी ऐसी संख्या लिखनी है। जब हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमें 400 से छोटी संख्या मिलेगी। ऐसी संख्या 4 है तो हम इधर 4 लिख देंगे। हमें इधर भी 4 लिखना होगा। क्योंकि हम दशमलव के आगे चले गए हैं तो हमें इधर दशमलव लगाना पड़ेगा। 84 और 4 को गुणा करने पे 336 मिलता है। हम 336 घटा देंगे 400 में से। हमें मिलेगा 64। 84 और 4 जोड़ने पे 88 होता है। हम दोबारा 2 शून्य नीचे ले आएंगे। अब हमें ऐसी सबसे बड़ी संख्या लिखनी है जब इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमें 6400 से छोटी संख्या मिलेगी। ऐसी संख्या 7 है। आठ सौ सतासी और 7 को गुना करने पर 6209 मिलता है।
6400 में से 6209 घटाने पर हमें मिलता है 191, क्योंकि हमने यहाँ पर 7 लिखा था तो हम इधर भी 7 लिखेंगे। इस प्रकार हमें 20 का वर्गमूल मिल गया है। 20 का वर्गमूल 4.47 है। 20 का वर्गमूल बराबर 4.47।